राइट हैवरी वन वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट आप सभी का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में तो अभी तक हमारे इस चैनल पे हम लोगों ने अकल्ट के बारे में जरूर बात करी है अलग अलग अकल्ट साइंसेस के बारे में हमने बात करी है चाहे एस्ट्रोलॉजी हो न्यूमरोलॉजी हो बट हमने ये बात नहीं करी कि अकल्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो कि है हीलिंग जो कि है थेरेपी तो मेरे को लगता है कि मैं क्योंकि इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा तो इस चीज़ के बारे में बात करना मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और इस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज जो हमारी गेस्ट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बेहतरीन है और बहुत ही अमेजिंग बातें हैं उनके पास हमारे को बताने के लिए और वही आज का टॉपिक जो लेकर आई है वो एक अलग टॉपिक है मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कि नहीं बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं उनसे बात करने के लिए सो वेलकम डॉक्टर खुशी बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण तो आज हम खुशी मैम से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कैंडल थेरेपी और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स तो बने रही है पॉडकास्ट में तो मैम सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहने वाला है कि कैंडल थेरेपी होती क्या है व्हाट इज दिस कैंडल हीलिंग कैंडल थेरेपी जैसे कि ये इंडिया की रेमेडीज बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में जो डॉल जो बनती हैं जैसे कि कैंडल्स में भी आपने डॉल्स देखी होगी वो डॉल्स की रेमेडीज इंडिया से ही हो चुके इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि कोई तांत्रिक साधना करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टार बनते हुए दिखा होगा जो तांत्रिक जो लोग होते हैं जो स्टार बनाते हैं स्टार बनाने के बाद उसमें डॉल रखते हैं डॉल रखने के बाद साइड साइड में कैनल्स रखते हैं करेक्ट ये जितने जब ये अंग्रेज जो आए थे हमारे भारत में तब तो ये चीजें उन्होंने जो स्पिरिचुअल टीमें थे जो आध्यात्मिक अध्यात्मिक जाने उनको ये चीज़ कुछ नया कंसेप्ट लगता था जैसे कि आप भी कहीं किसी के यहाँ पे जाओ तो कुछ अगर आपने चीजें देखी तो आपका मन करेगा कि आप ये चीजें सीख लें तो वही चीजें यहाँ से बाहर से सीखी हुई वहाँ पे जो है स्थापना हो चुकी है तो वहाँ पे चीजें पहले से ही जो है कैंडल्स को पहले ज्यादा महत्व देते हैं अगर आप क्रिश्चन्स की बात करें क्रिश्चियंस के मंदिर के सामने कैंडल्स व्हाइट कलर की कैंडल्स होती है फिगर कैंडल्स होती है वहाँ पे जलाई जाती है ठीक है क्योंकि इसलिए होती है व्हाइट कलर के कैंडल्स देखी जाएंगे ब्लैक कलर के कैंडल्स देखी जाएंगे क्रिश्चियंस धर्म में mm. तो व्हाइट कलर के कैंडल्स इसलिए जलाई जाती है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी है ओके नेगेटिविटी कैंडल्स इसलिए जला ब्लैक कलर के इंडल्स इसलिए जलाए जाते हैं कि नेगेटिविटी हमारी रिमूव हो फिगर कैंडल्स वहाँ पे भी मिलती है ओके फिगर कैंडल्स भी मिलती है और साइड में जो है जैसे कि नॉर्मली सिंपल्स कैंडल्स रखती है, है। ये पहले ज्यादा होता था कि फिंगर फिगर कैंडल्स जो है ना वहाँ पर जला दिए जाते थे क्रिस्चंस में मैं एक बार गई थी मेरे मम्मी के साथ तब मैंने ये चीज़ें दी थी दिखी थी जैसे कि मैंने जब मैं एस्ट्रोलॉजी और जैसे कि ये टैरोटेडिंग और हीलिंग सेक्शन मैंने सीखा भी नहीं था तो मेरी मम्मी ने कहा था कि चलो मुझे मेरे जो मैम ने जो मुझे लेके गए थे कृष्ण धर्मे में थोड़ा सा वहाँ की प्रेयर सुन के मुझे अच्छा लगता है जी. मैं ऐसे ही अनुभव करने के लिए चली गई थी तब मैंने देखा कि वहाँ पर कैंडल्स जलाए जा रहे हैं और सिंपल्स भी कैंडल्स जो है जलाए जा रहे हैं पर जैसे वो लोग कहते थे कि मतलब जैसे कि बातें बातें होती तो उन्होंने कहा था कि पहले हमको जलाने देते थे अभी जलाने नहीं देते अभी वे वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पे उनका बॉक्स होता है अच्छा। और वहाँ पे छोड़ देते हैं और जो जलाते होते हैं ना वो वहाँ के जो गुरु होते हैं जो वो प्रेयर करते हैं वो जलाते हैं बाकी कोई जलाता नहीं उसके ऊपर नाम और पर्ची से नाम लिख के उनको वो चपका के जो है वो वहाँ पे रख देते हैं अच्छा। और सिर्फ सिंपल कैंडल जलाई जाती है सिंपल कैंडल्स भी बहुत कम जलाई जाती है वो भी बाहर तो तब से ये क्या हो गया कि इन लोगों ने थोड़े से ऐसी चीजें करनी कि जिन जिनको रेमेडीज पता है अब ये रेमेडीज काफी ज्यादा फैल चुकी है मुंबई में तो ये काफ़ी ज्यादा चीजें की जाती है दिल्ली में भी की जाती है पर दिल्ली में भी आजकल भी चीज़ें जो होती है ना थोड़ी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा हो जाती है हु. बैंगलोर सिटी में भी एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा करके माना गया है सिर्फ मुंबई मुंबई सिटी हो गया क्योंकि वहाँ पे पारसी देखेंगे पारसी पारसी मेंबर ज्यादा है क्रिश्चन धर्म के लोग ज्यादा है जहाँ पे क्रिस्चन्स धर्म के मेंबर्स है जहाँ पे पारसी मेंबर्स है वहाँ पे कैंडल्स रेमिडीज ज्यादा हो जाती है तो जब कैंडल रेमेडीज जो होते हैं बाहर फॉरेन की कंट्रीज के आप बाहर कहीं पे भी चले जाए वहाँ पे जो है ये कैंडल्स रेमेडीज अवेलेबल है वहाँ पे जैसे कि आपने सुना है मैजिक मर्लिन कैंडल्स जी 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 मैजिक मर्लिन कैंडल्स और हैरी पॉटर अगर आपने मूवी देखी होगी तो सारे चीज़ें विच भी हैं विच कैंडल्स मिल जाती हैं मैजिक मर्लिन कैंडल्स मिल जाती है रुपीज़ कैंडल्स मिल जाते हैं है, फिगर कैंडल्स मिल जाती है मेल फीमेल की फिगर कैंडल्स मिल जाती है अगर आपको सेपरेशन करना हो वो भी कैंडल्स आपको मिल जाती है तो बेसिकली जब ये मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम जैसे सेपरेशन की आपने बात करी तो हमारे को ऐसी कैंडल्स मिलती हैं जिनको जलाने से सेपरेट हो जाते हैं हाँ हो जाते हैं पर एक्चुअली जैसे कि ये ऐसे नहीं कि हम जलाने से जैसे हम जलाने से जो है ये सारी चीज़ें हो जाती है उसकी रेमिडीज है उनकी हीलिंग टेक्निक है उनकी हर एक चीज़ों की पद्धति है जैसे कि वो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो थो थोड़ा सा क्रिश्चन पद्धति ही हो गया प्रेयर की जाती है प्रार्थना की जाती है तो एंजल्स की प्रेयर की जाती है अगर आपने देखा होगा तो क्रिश्चियंस धर्म में काफ़ी ज़्यादा एंजल्स भी आपको जो है वहां पे जो है मंदिर में देखे जाते हैं ठीक है बटरफ्लाइज के साथ तो वही चीज़ है कि वहां की ही रेमेडीज है क्रिश्चियन धर्म की ही रेमेडीज है हमारी रेमेडीज नहीं है सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है उसमें क्या होता है कि इनकी प्रेयर आती है एंजल्स प्रेयर होती है माइकल की प्रेयर आती है जैसे कि आपको रिश्ता कट करना है तो माइकल की प्रेयर्स आ गई अगर आपको फाइनेंशियल स्टॉक करना है अच्छे से फाइनेंशियल कंडीशन को ज़्यादा बढ़ाना है तो उसमें राइफल आ गया तो एरियल ऐसी जो चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करेगी चेमुल आता आता है कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेगा लव रिलेशनशिप को बढ़ाएगा okay. हर एक की प्रेयर्स इसमें अवेलेबल है अभी वो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कैंडल्स रेमडीज़ में एंजल्स की प्रेयर की जाती है या फिर जैसे कि एंजल्स में जो है एंजल्स के अकॉर्डिंग कोई दूसरी मेमोरी की जो दूसरी जैसे कि एक अलग टेक्निक इनकी प्रेयर्स होती है जैसे कि मनी फ्लो के लिए मनी कम टू मनी मनी स्पेल आपने सुना होगा ये कभी वॉइस अच्छा। जैसे रील्स में आती है काफी ज्यादा मनी कम टू मी मनी मनी कम टू मी फास्ट ये चीजें जो है ज्यादा करके चीजें अभी अभी यहाँ पे बढ़ा दी गई है पहले ऐसा था कि सिर्फ पंद्रह एंजल्स की जो है हमारे एंजल जो होते थे एंजल्स की रेमेडी से जो है कैंडल स्पेल किया जाता था ऑल राइट yes. ओके okay. सो so, जैसे हमने बात करी जैसे आपने मेंशन किया एंजल्स के बारे में और हमारे सामने एंजल कार्ड्स भी हैं तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एंजल कार्ड्स और एंजल थेरेपी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंजल्स कार्ड्स और एंजल थेरेपी जैसे कि एंजल्स कार्ड्स जैसे कि आप टेरो कार्ड्स के बारे में जैसे हमने बात की थी तो टेरो कार्ड्स के साथ साथ जैसे कि टेरो कार्ड्स आपके फ्यूचर को बताता है एंजल्स कार्ड्स आपको गाइडेंस देता है एंजल्स क्या हो गया आपको गाइडेंस देना है ये हो गया हमारे देवदूत जी थी। ठीक है एंजल्स जो होते हैं ये इसकी एंजल थेरेपी जो होती है डिफरेंट होती है अच्छा एंजल थेरेपी एंजल हीलिंग्स की तरह प्रोवाइड की जाती है दो एंजल गार्डियंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जब भी हम अकेले होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है गार्डियस एंजल्स को कॉल किया जाता है उनकी कॉल होती है मतलब नॉर्मली उनकी प्रेयर होती है ओके उनकी प्रेयर जो है थ्री टाइम बोल के उनको बुलाया जाता है नॉर्मली हम मन ही मन में जैसे कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए हैं और उनको कहते हैं कि प्लीज़ गार्डियन एंजल्स प्लीज आ जाइए और मेरी जो थकावट है मेरी जो परेशानी है प्लीज़ उसको जो है रिमूव कीजिए तो गार्डियन एंजल्स हमारा काम करती है तो गार्डियन एंजल्स जब हमारा काम करते कभी अगर आपको कुछ ज़्यादा काम करवाना है जैसे आपको कहीं किसी जगह पे जाना है और वहाँ पे आपके लिए मतलब मना हो चुका है ना बोल दिया है जैसे कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करने के लिए जाना था या फिर जॉब के लिए बुलावा आ रहा था और आप अभी जस्ट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो वहाँ से मना हो गया तो वहाँ पे आप गार्डियन एंजल्स की प्रेयर करोगे गार्डियन एंजल्स के साथ साथ जो जैसे कि जो एंजल्स होती है पंद्रह एंजल्स में से उस एंजल्स को बुलाओगे जैसे कि मैं एरियल को बुला लेती हूँ तो एरियल के एंजल्स को बुला लेंगे और उनको कहेंगे कि प्लीज़ मेरी उनके लिए उनको प्लीज़ कन्विंस करिए कि कन्विंस कीजिए कि प्लीज़ मुझे बुला ले और मुझे जॉब दिला दे ये चीज़ होती है तो एंजल थेरेपी में ये चीज़ होती है मतलब कॉलिंग की जाती है उनसे बात की जाती है देवदूत कहा जाता है उन्हें ये कहते हैं कि जैसे कि एक में बहुत बड़ा हेड हो हु, देवता हुँ। एक देवता होते जो बहुत बड़े हेड है अभी उनके पास जो है ना हमारी प्रेयर जाने के लिए हम एंजल्स को कनेक्ट करते हैं प्रार्थना करते क्योंकि कैसे कि उनके मैनेजर कहाँ जाते हैं पंद्रह मैनेजर्स होते हैं ऐसे काफ़ी सारे एंजल्स हैं पर ये पंद्रह एंजल्स जो होते हैं ना फिफ्टीन से जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि आपके हर चीज़ों में काम करते हैं जैसे कि लव रिलेशनशिप के लिए आपके फीलिंग्स के लिए आपके बाहर के काम के लिए आपके फाइनेंशियल के लिए आपको किसी के एनर्जी से कोई आपको बार 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 परेशान किए जाता हैं जैसे होता है ना कोई कोई आपको धमकी द्वारा कॉल करता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं ये कर दूंगा Correct. या या फिर तूने ऐसे नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा तेरी oh, बातें oh. बता दूंगा ऐसे तो कोई गलती होती नहीं पर ऐसे कभी कभी होता है ना डराने धमकाने वाली बात होती है। तब माइकल को बुलाया जाता है कि प्लीज आप एनर्जी जो है उसके साथ जो मेरी एनर्जी है वो कट कर दीजिए यस हिल कर दीजिए उन चीजों को हिल कर दीजिए प्लीज उनको बुलाया जाता है ऐसे कभी कभी ये होता है कि अभी जैसे कि रिसेंटली ये चीज़ क्या होती है कि कभी कभी ब्लैक मैजिक रिमूव के लिए भी जिसको बुलाया जाता है ओके okay. ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए तब हम मरलिन इस्तेमाल करते हैं तो मरलिन के साथ साथ कैट को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कैट क्या होती है, है रास्ता काटते हैं तो हम कहते हैं ना कि रास्ता काट के चली गई तो मतलब हमारी चीजें कुछ खराब होगी oh, oh, oh. तो रास्ता काट के जाना मतलब कोई जो नेगेटिविटी एनर्जी आने वाली थी वो आपकी रिमूव कर रही है उनकी इसमें चीजें कही जाती है तो इसलिए मर्लिन के साथ कैट को जलाया जाता है क्योंकि जो भी नेगेटिविटी जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए और आपका काम हो जाए और तो क्या ये एंजल कार्ड टैरोस जैसे ही होते हैं एंजल्स कार्ड टैरो कार्ड जैसे नहीं होते हैं okay. टैरो कार्ड्स रीडिंग जो होती है आपके फ्यूचर को बताए जैसे कि आपके ज्योतिष शास्त्र को बताया जाता है न्यूमरोलॉजी होगी जैसे न्यूमरोलॉजी से आपकी रीडिंग्स हो जाती है पाम रीडिंग्स हो गई फेस रीडिंग हो गई तो ये डिफरेंट चीज है रीडिंग्स में टेरो रीडिंग आती है और एंजल्स कार्ड जो होते हैं ये थेरेपी में आते हैं मतलब थेरेपी में नहीं जैसे कि आपको जैसे बोलते हैं ना कि हम बच्चे हैं तो जैसे कि एंजल्स कार्ड जो जैसे कि हमारे मम्मी पापा जैसे कि हमारे माँ बाप जो हमें एक बोलते ना कि अगर हम कुछ गलत करने जा रहे तो हमें डांट देते ना कि दो जो कुछ भी कर रहे हैं ना मुझे पता है हाँ बस मैं ये कहूँगी कि तू संभल के चल क्योंकि दुनिया बहुत खराब है जी. तो ये चीज होती है एंजल्स हमें बताते हैं कि तुम जो भी कुछ काम करना चाहते हो वो संभल के काम करो या फिर तुम्हारी चीज़ें जो फटाफट करनी है वो जल्दी से कर लो ओह क्योंकि अच्छा। अभी ये टाइम आया तो फिर बाद में नहीं आएगा आपको गाइडेंस देते हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स आते हैं जैसे कि एंजल्स एंसर हो गए एंजल थेरेपी के भी पंद्रह एंजल्स के कार्ड्स हैं आपको आपके साथ कौन से एंजल्स साथ में हैं डिफरेंट डिफरेंट गॉड के रेमिडीज की तरह एक फेरिस फेरिस कार्ड्स भी आते हैं फेरिस कार्ड्स आपने सुना है परियों के का, कार्ड्स आते हैं जैसे कि एंजल्स और जैसे परियों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यस यस yes, yes. जैसे कि एंजल्स रेमेडीज होती है वैसे फेरिस फेरिस रेमेडीज भी होती है 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 जैसे कि मेरे वीडियोस में में मैंने काफी सारा जो है फेरिस के बारे डाला और एंजल्स के बारे में भी डाला है कि दोनों चीजों के डिफरेंस क्या होता है तो जैसे एंजल्स जो होते हैं ये एंजल्स होते हैं हमारे जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें बर्ड दिखे लव बर्ड्स बर्ड हाँ हाँ। ये एंजल्स होते हैं जैसे हमें बर्ड्स दिखना नंबर दिखना फेदर्स दिखना तो एंजल्स हमारे साथ कनेक्टेड है ओके अगर आपको बटरफ्लाई दिख गए ठीक है बटरफ्लाई के साथ साथ आपको कभी ओरा में ऐसे कैसे बोलते ना कि कलर शेडो दिख गई हाँ। रेनबोज दिख गया तो वो फेरीज होते हैं तो फेरीज आपके पास है फेरीज हमारे ओरा के साथ कनेक्शन में होते हैं और यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन जब होता है तब हमारे साथ एंजल्स होते हैं जब मैंने ये कार्ड सीख रही थी तो उससे पहले ही मुझे एंजल्स के मतलब नंबर्स दिखना नंबर्स कोडिंग्स दिखना जैसे कि बर्ड्स दिखना बर्ड के साथ साथ उनके कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इतने खूबसूरत खूबसूरत फेदर दिखना मतलब एनी टाइम पास में आते थे Wow. हाँ जब ये पास में आते तो मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बन रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स के द्वार खुल रहे आपके साथ उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही है ये चीज हो जाती है ऑल राइट right, तो बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे जिनको शायद एंजल कार्ड उनके लिए बहुत न्यू होगा एंड ऑलरेडी हम इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं बट स्टिल आई वॉन्ट की उन लोगों को लिटरेट किया जाए जो लोग फर्स्ट टाइम अगर किसी एंजल थेरेपिस्ट के पास पास आ रहे हैं या फॉर एग्जांपल आपके पास भी आते हैं और उनको एंजल थेरेपी कुछ जानना है तो जैसे आपने बताया कि आपको यस या ये नो में आंसर देते हैं यस या ये नो में आंसर तो यस या नो में आंसर नहीं जैसे कि आपको गाइडेंस दे देते हैं ऑल राइट तो क्या हम एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑडियंस के लिए कर सकते हैं यस कर सकते हैं जैसे कि आपके लिए करना है तो आपके लिए निकाल लेते हैं की ऑडियंस एंजल गाइडेंस कैसे रहेगा ये भी मेरा सवाल था कि जब ऐसे कार्ड अलग से गिरता है yes. तो क्या वो अलग एक अलग्फिकेन्स यस yes, 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 है? yes, yes, करते हैं एंड अलग से इंडिकेशन तो वैसे भी हो चुका है फिर से कर लेते हो जैसे कि कार्ड जब गिर जाए तो नॉर्मल जैसे कार्ड्स गिर गए तो मैंने पहले ही निकाल लिया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के कुछ ना कुछ कहना होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ चीजें होने वाले तो उससे बच के रहे या फिर कुछ चीज अच्छी होने वाली है कुछ अच्छे इंडिकेशन भी देता है कभी कभी कुछ चीजें बुरी भी दे देता है जैसे कि अभी जैसे कि आपके कार्ड्स में दिखाई देते दे रहा है कि एंजल्स कार्ड्स के साथ अगर मैं जोड़ जाऊँ तो अगर अगर जैसे कि आपके लिए ये कार्ड जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीट और फ्रॉड चीज़ें हो रही तो इनसे संभल के रही है मतलब तो अवेयरनेस करवाता है जब कार्ड गिर जाता है तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए अवेयरनेस करवाता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें भी बताएगा तो ये चीज़ें बताएगा कि जैसे कि आप जो भी अभी काम करें फटाफट फटाफट कर लीजिए अच्छा ओके यस जैसे कि अभी ये गाइडेंस दे रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आपको नींद नहीं आ रही है दो तो तीन दिन से तो शेड्यूल की वजह से ही नहीं आ <laughs> रही <laughs> तो नींद नहीं आ रही तो पहली बात है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए नींद को पहले कंप्लीट कर लीजिए किसी भी हालत में तो एक गाइडेंस देना है अगर जब आप बैलेंस करेंगे अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो अपने आप जो फाइनेंशियल जो थोड़ा सा भी कुछ लॉसेस हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा वो कवर हो जाएगा जैसे गाइडेंस आपको ऐसे पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है जैसे कि आपके बारे में पूरा बता दिया कि आप क्या चीजों को लेकर सोच रहे हो तो ये होता है एजेंस गाइडेंस ऑल राइट सो बेसिकली मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन भी पुट नहीं किया और मुझे कितनी कुछ गाइडेंस ऐसी मिली जो ऑलरेडी शायद हो सकता है कि शायद नहीं बल्कि मैं ये कंफर्म ही कर सकती हूँ कि इन्हीं एस्पेक्ट्स में मुझे इन चीजों के बारे में जानना था <laughs> तो डेफिनेटली ये चीज आप लोगों के सामने भी प्रूफ हुई है बट मैम वापस आते हैं हमारी कैंडल थेरेपी पे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद जानना चाहते हैं कि कैंडल थेरेपी का यूज वो अपनी लाइफ में डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं तो क्या उन चीजों के लिए भी कुछ yes. होता है बता सकती हूँ डेली लाइफ में हम कर सकते हैं जैसे कि को, कोई भी होता है ना कि जैसे थेरेपिस्ट के पास जाके जो है ना अपनी हीलिंग थेरेपी करने के लिए उतने चार्जेस हम पे नहीं कर सकते क्योंकि हीलिंग थेरेपी के नहीं क्या सामने वाला भी अगर हीलिंग थेरेपी करता है मैं करते तो काफी ज्यादा चार्जेस करने पड़ते हैं इसलिए होता है क्योंकि कैंडल्स के साथ साथ उसको ऑयल्स लगते हैं हर्ब्स लगते हैं प्रार्थना होती है आधा घंटा एक घंटा जो है कैंडल्स के सामने खड़े रहना होता है एनी टाइम इंटेंशन देनी होती है एक इंटेंशन देना होता है उनको कि इनका काम ही हो जाए इनका काम ही हो जाए जैसे कि रिलेशनशिप

ठीक है उसके ऊपर नाम लिखने के बाद आपने उसको जला देना है अपना नाम लिखना है बस और सिंपल से अपना पूरा नाम लिख के जो उसको जला देना है शाम के समय सात बजे के बाद आपने जला देना क्योंकि ये थेरेपी जो होती है ना छः सात बजे के बाद ही होती है ओके okay. शाम के समय थेरेपी होती है कैंडल थेरेपी की दिन में ये चीज़ें नहीं की जाती है मैं कहूँगी कि ज्यादा करके अगर कोई अपने घर पर अमावस्या के टाइम पर हीलिंग्स कर रहा हो तो ना करें अमावस्या दो दिन निकलने दे अगर घर पे आपको करना है नेगेटिविटी बंद ही करनी है तो दो दिन के बाद जो है अपने ब्लैक कैंडल्स को जला देना है नेगेटिविटी बंद करनी है अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आए तो पॉजिटिविटी आने के लिए व्हाइट कलर के कैंडल पर सेम अपना नाम लिख लेना है और जला देना है अच्छा यस और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं पैसे नहीं आ पा रहे हैं फाइनेंशियल को लेकर दिक्कतें आ रही हैं तो आपने ग्रीन कलर के कैंडल्स ले लेना है टिपर कैंडल्स मिल जाते हैं छोटी जैसे कि आपकी इतनी भी कैंडल्स आपको मिल जाते हैं उसके ऊपर जैसे कि आप ये करना है कि आप उसके ऊपर जैसे कि दालचीनी दालचीनी के साथ साथ जो है इलायची का पाउडर दालचीनी पाउडर इलायची का पाउडर और साथ में होता है जायफल जायफल का पाउडर वो तीनों उसमें डाल देना है अपना जैसे कि उसके पर्ची के ऊपर अपना नाम लिख लेना है और आपको जैसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल की कंडीशन आपकी ख़राब है तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं मेरे पास मनी का फ्लो हो चुका है एक पॉजिटिव लिख लीजिए का का okay. तो तो लिख 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 दो डिमांड्स है ग्रीन कलर का नहीं मिलेगा तो रेड तो मिलेगा बट ये हाँ। हर उसके लिए चाहे ब्लैक कैंडल हो चाहे व्हाइट नहीं 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 पैसों के लिए सिर्फ पैसों के लिए अगर बाकी अगर जैसे आप व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल जलाते तो रेड पेन से लिख लीजिए रेड पेंसिल लिखना है ब्लू कलर से और ब्लैक कलर से नहीं लिखना है अगर आप जैसे कि जैसे मैंने कहा कि मनी फ्लो के लिए ग्रीन कलर के ऊपर जो है आपने ग्रीन कलर की पेंसिल लिख लिया पेज के ऊपर उसके ऊपर आपने कैंडल्स रख ली और शाम के टाइम पे उसको जलाने के लिए रख देना है तो पेपर वगैरह अग... सब जल जाना चाहिए पेपर के साथ ही जल जाना चाहिए अगर नहीं जलता है तो मनी का फ्लोर कहीं ना कहीं रुका है तो उस रेमिडीज को आप बार बार कीजिए खास करके रेमेडीज आपको ज़्यादा करके कब करना है जब पूर्णिमाशी आती है ओके okay. जब पूर्णिमा से आती है और पैसे का फ्लो बढ़ना चाहिए तो शुक्रवार के दिन हर शुक्रवार के दिन रेमेडीज़ कीजिए मनी का फ्लो अपने आप बढ़ने लग जाएगा पैसे अपने आप आते जाएंगे हर हर शुक्रवार कर लीजिए या फिर पूर्णिमाशे के दिन कर लीजिए अगर आपको डेली करना है डेली करना है और मुझे मतलब अच्छा सा फ्लो आना चाहिए पैसे सच में बहुत खत्म हो चुके हैं पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपने शुक्रवार से लेके जैसे कि शुक्रवार से लेके सेवन डेज तक करना है बट ये करना है कि तब टाइम पे करना है जब अमावस्या हो चुकी हो अमावस्या के तीन चार दिन बाद जब शुक्रवार जो भी आता हो तब से लेके स्टार्ट करना है फुल मन की तरफ बढ़ते समय ओके okay. पौर्णिमा के बाद जो ढलता हुआ जो चंद्रमा रहेगा उस टाइम पे आपने मनी की रेमेडीज नहीं करनी है सिर्फ शुक्रवार करके छोड़ देनी है अच्छा सेवन डेज की अगर आप रेमेडीज करते हो तो तब दे छोड़ देने अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो दोनों दो कैंडल जो होगी वो पिंक कलर की ले लीजिए या फिर रेड कलर की ले लीजिए okay. ओके जैसे कि फाइव फाइव इंच की या फिर टेन टेन इंच की आपको जो अवेलेबल मिल जाए uh -huh. या फिर जैसे कि पिलर कैंडल्स मिल जाए uh -huh. दो जैसे कि सेंट फ्रेगनेंस वाली आती हैं फ्रेगनेंस वाली रोज फ्रेगनेंस वाली मिल जाए पिलर कैंडल्स तो काफ़ी बढ़िया है ओके okay. अगर वो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है वो चीज़ लेके आइए जैसे कि आपको गुलाब का ऑयल मिलेगा या फिर अत्तर मिलेगा वो लगा लीजिए उसके बाद रोज पेटल डाल दीजिए अट्रैक्शन को और बढ़ाने के लिए जैसे कि आपने उसमें जैसे कि इलायची डाल दो हनी ऐड कर लो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा बूंद शहद जो हनी डाल दो फिर जो है नीचे आपने जो है जैसे दो कैंडल रखोगे दो कैंडल के ऊपर एक अप, अपना नाम लिखना है एक पति का नाम लिखना है ठीक है या फिर अपने पार्टनर का नाम लिख लेना है तो दोनों के नाम लिख के आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुका है आप आपके दोनों में प्यार बढ़ चुका है अट्रैक्शन बढ़ चुका है आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो जो आपकी फीलिंग्स है वो लिख लो फीलिंग्स होनी चाहिए आपको फीलिंग्स के लिए लिखना होगा तो फीलिंग्स लिख ली और उसको बंद कर दो और ये लगातार अपने जैसे कि फुल मून के दिन करना ही करना है ये मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन करना है ये टू टाइम आप कर सकते हो और करते रहो तो इन चीज़ों से भी काफ़ी बेटर फायदा मिल जाता है आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी मिल जाती है अगर कोई लाइफ में थर्ड पर्सन आया हो तो वो भी कट कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे बहुत सिंपल वे में कैसे जैसे थर्ड पर्सन आ चुका है तो जिसका सामने वाला पार्टनर का हमें नाम पता है, होता ही है कि सामने वाला पार्टनर कौन है तो दोनों ब्लैक कैंडल ले लेनी है दोनों ब्लैक कैंडल लेने के बाद जो है उसके ऊपर नीचे लाल मिर्च और काली मिर्च पाउडर लगा लेनी है कैंडल के ऊपर कैंडल के ऊपर नॉर्मल सा ऐसे मतलब चिपकने के लिए आप कौन सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जो जो वो ऑयल मिल जाए तो वो लगा लो ओके okay. जैसे कि एमजोन पे मिल जाएगा जो जो ऑयल वो लगा लो ऑयल लगाने के बाद जो काली मिर्च होगी लाल मिर्च होगी दोनों साइड पे लगा लो हुँ. और जैसे कि काला धागा लेना है काले धागे को जो है पूरा दोनों के सर्कल में घुमा लेना है ठीक है जैसे कि दो ऐसे रहेगा और बांध लेना है करंट कर लेना है एकदम चिपकाना नहीं ऐसे डिस्टेंस में रखना है ऐसे डिस्टेंस में रखने के बाद जो धागा बांधेंगे ठीक है जब अगर आप कैंडल जलाएंगे ना तो कैंडल जलने के साथ साथ वो धागा भी जल जाएगा <laughs> जब धागा जलता है तो तुम दोनों की जो भी कनेक्शन हो चुका है जो भी कॉर्ड कनेक्शन हो चुका है <laughs> वो कॉर्ड कनेक्शन टूट जाएंगे जब कॉर्ड कनेक्शन टूटते हैं तो थर्ड पर्सन आपके जीवन से निकल जाता है तो एक कैंडल पे पार्टनर का नाम और एक कैंडल पे जो थर्ड पर्सन है उसका नाम उसका नाम। पर साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप दोनों के भी अट्रैक्शन बढ़ाने पड़ेंगे वहाँ पे तो आप कट कर रहे हैं तो आप दोनों के भी कनेक्शन बनाने पड़ेंगे तो आप दोनों के कनेक्शन बनाने के लिए फिर से रेड कैंडल का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा एक साइड पे रेड कलर का इस्तेमाल करना है एक साइड पे ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है तो ये चीज करनी है अगर रिलेशनशिप खर सच में आपको बहुत जल्दी से जल्दी कट होना है तो तब आप अमावस्या के दिन रेमेडीज कर सकते हैं फिर oh, okay. तो कुछ भी अमावस्या के लिए हाँ, दिन जैसे करना है तो अमावस्या के दिन जैसे कि जो रिलेशनशिप उनका ब्रेक करना है तो अमावस्या के दिन और खास करके जब ग्रहण होता है तब ये चीजें करो तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है ग्रहण टाइम पे जब भी ग्रहण होता है तब ये चीजें करो तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा हो जाता है अभी वो ग्रहण भारत में रहे या फिर फॉरन में रहे है तो फॉरन की कंट्री की रेमिडीज तो जैसे आपने बोला फॉरेन कंट्री की रेमेडीज अगर हम आए इंडिया पे तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जो शायद कनेक्ट करना चाहती है और हीलिंग से जो इंडियन हीलिंग्स है तो उसमें जो सबसे मैं कहूंगी कि नॉन हीलिंग है वो है माँ काली हीलिंग्स तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आ, आपको ऑलरेडी छः साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके पास जब लोग आते हैं तो कोई भी ऐसा केस हीलिंग से रिलेटेड जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो हीलिंग्स की बात करें तो हर ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद है महाकाली की हीलिंग्स की अगर आप बात करते तो वो आती है कि साधना के हिसाब से साधना हीलिंग्स साधना हीलिंग्स हर 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 किसी में अवेलेबल है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपकी शिव तो भी की भी हीलिंग्स तो है महाकाली की भी हीलिंग्स है अगर कृष्ण की भी हीलिंग्स कहा जाए तो वहाँ पे भी चीज़ें हैं महाकाली के सिम्बॉल्स बने हैं महाकाली का सिम्बोल्स है कृष्ण जी का भी सिम्बोल्स है शिव जी का भी सिम्बोल्स है तो ये सिंबल्स के द्वारा जो है जैसे कि आपको सिंबल्स के द्वारा आपको हीलिंग्स करवाई जाती है जैसे कि महाकाली का सिंबल्स दिया जाता है तो सिंबल्स अगर मैं कहूँगी तो स्टेट स्टेट आ गया स्टेट <laughs> के बाद जो है ना यहाँ पे त्रिशूल आ गया एक अच्छा फिर ये यहाँ से ऐसे दो त्रिशूल त्रिशूल जो है निकाले जाते हैं अच्छा और ये ये सिंबल से जैसे आपने सिंबल्स निकाल लिया तो आपको पास जो है ना महाकाली का प्रोटेक्शन बन जाता है तो हाँ। तो अगर कोई इसका टैटू ही करवा ले टैटू नहीं करवाना चाहिए क्योंकि महाकाली की एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है अगर आप ऑकल्ड साइंस में हो अगर आप काफी टाइम से हीलिंग मोडलिटीज कर रहे हो अपनी एनर्जी किसी को दे रहे हो हिलिंग क्या हो गया कि अपनी एनर्जी किसी को देना रेकी भी अपनी एनर्जी को पहले हील करना है फिर किसी को देना है टैरोट में भी सेम यही है कि हम मेडिटेशन करने के बाद ही किसी की रीडिंग करते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव रहे क्योंकि सामने वाले की एनर्जी हमसे जो है कनेक्ट हो जाती है तो फिर हम नेगेटिव होने के चांसेस हंड्रेड परसेंट होते एक कॉमन सी बात है कि अगर आप कोई आपके पास घर पे आ गया और वो अपना दुखड़ा सुना रहा है आप सुन ही रहे हो सुन ही रहे हो फिर बाद में वो निकल जाने के बाद बोलते हैं कि यार सच में मैं बहुत पक गई क्या बता रहा था या फिर क्या बता रही थी यार कुछ कॉमन सेंस नहीं है कुछ कुछ टॉपिक कुछ ऐसे मिला नहीं कि हमें कुछ न्यू चीज़ें कुछ पता चले किसी का रोना धोना हमें पसंद नहीं आता क्योंकि नेगेटिव वाइब्स होती है तो एस्ट्रोलॉजर तो पहले से इतने सुबह से लेकर शाम तक चीजें सुनते हैं तो वो चीज़ें आती है जैसे कि यहाँ पे हमने आगे तो एक प्रोटेक्शन हो गया प्रोटेक्शन इसके सामने वाले की नेगेटिविटी नहीं आएगी आप कहीं भी, भी चले जाओ आपकी तरफ नेगेटिविटी नहीं आएगी अगर कोई दुश्मन भी होगा तो वो दुश्मन आपके रास्ते से हट जाएगा ओ हाँ कोई दुश्मनी भी करना चाह रहा हो कोई मतलब कोई चीट और कुछ फ्रॉड की भी भावना आ चुकी है तो वो निकल जाएगा महाकाली की साधना की दीक्षा होती है तीन दीक्षा होती है तो तीन दीक्षा जो है आपको मेडिटेशन के थ्रू दी जाती है जैसे जैसे कि कि आप सो जाओ और आपको आपको सोने के बाद आपको वो जो जो दीक्षा दी जाती है मंत्र साधना के साथ तो जैसे कि ओम रीम क्रीम चामुंडाई विचय का मंत्र का चांटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है <laughs> तो अगर जब जब भी आप चांटिंग करते हो तो आप देखेंगे कि आपके वाइब्रेशन आपके बॉडी में वाइब्रेशन आने लग जाएंगे करेक्ट बॉडी में वाइब्रेशन के साथ साथ आप एक फील करोगे कि आपके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा फील होगा पर जैसे कि साधना जो है ना जैसे महाकाली की जो साधना होती है महाकाली की जो हीलिंग्स होती है ये महाकाली हीलिंग से आपकी तरफ से प्रोटेक्शन होता है और जो बाहर की जो ब्लैक मैजिक जो चीज़ें हो चुकी होती है या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिट एनर्जी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है तो वो चीज़ों से रिलीफ मिल जाता है महाकाली साधना इसलिए की जाती है कि आपके अंदर में जो भी नकारात्मक एनर्जी या फिर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई है तो वो चीजें निकल जाए वो चीजें रिमूव हो जाए right, तो मैम क्या कोई ऐसी हीलिंग होती है जो सबसे पावरफुल होती है या फिर हर किसी का अपना कनेक्शन है जैसे कि सारी नहीं कहूंगी पर एक्चुअली कैंडल रेमिडीज में दो चीजें आती है एक हुडू और एक वुडू अच्छा जैसे कि हुडू हो गया एक वाइट मैजिक एंड जैसे कि वुडू हो गया एक ब्लैक मैजिक ओके तो हुडू रुडू का कंसेप्ट अलग अलग है उसमें भी कैंडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं अच्छा उनमें भी कुछ प्रेयर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक से डेविल की एनर्जी से जैसे कि हम डेविल की एनर्जी हम कनेक्ट कर लेते हैं उनकी स्पिरिट एनर्जी के वो प्रेयर अलग होते हैं और जैसे कि व्हाइट मैजिक से जैसे एंजल्स होते हैं एंजल्स के साथ हम कनेक्शन कर लेते हैं ये सारा खेल एंजल्स का है अगर एंजल्स को आप कनेक्ट करते हैं आप हर किसी को कनेक्ट कर, कर सकते हैं एंजल्स को कनेक्ट कर सकते हैं माँ दुर्गा को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी जो इच्छा है हम सब चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि जब देवता अगर सपोर्ट ना करे जैसे बोलते ना कि हम काफी टाइम से एक चीज अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कुछ कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना कि आते हैं और कहते हैं कि यार सबको रिजल्ट मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है पता नहीं मैम का तो काम अच्छा है पर कभी कभी होता है ना कि एक हाथ क्लाइंट हमारे हाथ से भी छूट जाता है तो ये एक का मतलब मेरे नहीं हो रहा बाकी सबका हो रहा है तब ऐसे होता है कि कभी कभी कुछ कुछ आ, कुछ कुछ लोग ऐसे करते कि जब अच्छी चीजों से काम नहीं हो रहा है तो हम बुरी चीजों से काम करवा ले करेक्ट करेक्ट बुरी चीजों से काम करवा बुरी चीजें कैसी होती है जैसे कि ब्लैक मैजिक कैसे होता है कि आप उनको कुछ चीजें दे रहे हो तो आपको बार बार देनी पड़ेगी बार बार देनी पड़ेगी तब जाके वो चीजें आपको देगा नहीं तो वो जितनी चीजें दी उतनी भी छीन लेगा वाइट मैजिक में चीज़ें क्या होती है कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेते हो और जो चीज़ नेगेटिव उसको रिमूव कर देते हो थोड़ा टाइम लगता है समय लगता है कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को समय ज़्यादा लग जाता है किसी किसी का जब काम नहीं हो रहा था ये बात नहीं कि वो सामने वाला आपका काम नहीं कर रहा है उसने काम करके छोड़ दिया प्रेयर होती है प्रेयर करके छोड़ दो हमारे इसमें होता है कि प्रेयर करके आप छोड़ दो करना है नहीं करना है उसके कर्म हैं अगर उससे कर्म बहुत ज़्यादा खराब की होगी और बहुत ज़्यादा उसकी बोलते ना कि प्लैनेट की भी डिग्री बहुत ज्यादा खराब होगी तो उसके काम होने से रहे जब प्लानिट थोड़े बहुत तो उसके सपोर्ट करेंगे तो उसके कर्मास हो गए जो भी कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करेगा अपनी ईगो अपने बहुत सारी चीज़ें साइड में रख के अगर सब बोलते ना सरेंडर करना करेक्ट जैसे कि महाकाली भी हम साधना करते हैं तो सरेंडर करना हो जाता है जब हम सरेंडर करते हैं तब हमारी चीजें होती है कि खत्म हो जाती है कि आपने सरेंडर कर लिया है ना तो अभी चलो आपकी बोलते ना कि आपकी माफी मंजूर नहीं तो जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे मैं में रहोगे मेरे साथी चीजें क्यों खराब हो रही है मेरे चाची की चीज ऐसे हो चुकी है ये हो गया आपका ईगो जैसे कि कभी कभी अगर आप एक बार ऐसे प्यार से जब थकी हुई है ना तब ऐसे बोल दो कि यार मुझसे पता नहीं कि क्या गलती हो चुकी है मुझे नहीं पता बट मैं जो भी परेशानी से झेल रहा हूँ शायद मैंने कुछ इसलिए इस जन्म में नहीं गए जन्म में कुछ कर लियोगे जो कुछ भी गलती कर ली तो मुझे माफ कर दो अभी मेरे पास जो भी परेशानी अरे मेरे पास तो कुछ हल नहीं आप ही समाधान कर लो मतलब आपने अपनी परेशानी छोड़ दी है तो महाकाली का समर्पण वहां पर वहाँ पे हो जाता है महाकाली में ये चीज सुनाई जाती है कि जब आप हीलिंग टेक्निक में आते हो साधना में आते हो और साधना भी ऐसी नहीं होती काफी लाखों जब किए जाते हैं जब आप साधना करते हो महाकाली हीलिंग उसके लिए कहा जाता है कि जब आप साधना करने के लिए तैयार हो कि आप तैयार हो साधना करने के लिए आप मेडिटेशन पे देने के लिए वक्त है आपके पास अगर आप आ रहे हो साधना कर रहे हो हीलिंग टेक्निक को अपना रहे हो तब जाके आपकी चीजें ठीक होगी पहले तो आपको बहुत बार रोकेगी कि आप साधना ना कर पाओ रुकावटें लाएगी काफी टाइम तक रुकावटें लाएगी अगर आप 41 डेज का भी अगर आप संकल्प लेते हो तो भी नहीं कर पाओगे कुछ ना कुछ बिट में रुकावटें आना कहीं ना कहीं कुछ काम ही आ जाना पर इतने सारे रुकावटें आने के बाद भी आपको जो भी टाइम मिल रहा है उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो जाके आपको उसका फल मिलता है तो हर चीज देखी जाती है तो मैम क्या रिकमेंड करती हैं है आपकी आ, किसी को हीलिंग्स रेगुलरली कराते रहनी चाहिए या सिर्फ जब प्रॉब्लम हो तभी नहीं रेगुलरली करना चाहिए हीलिंग्स एनी टाइम रेगुलरली करना चाहिए जैसे कि अगर हम खुद होके हीलिंग्स करें तो ठीक है जैसे कि ब्लैक कैंडल और व्हाइट कैंडल का कॉमन सेंस है कि एनी टाइम अपनी नेगेटिविटी रिमूव करते रहे जैसे कि मेरे पास भी क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं कि प्लीज़ हमारी नेगेटिविटी रिमूव कर दो जो भी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है वो उसको रिमूव कर लो क्योंकि मंथली में हमारे जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा के टाइम एनी टाइम हीलिंग्स अवेलेबल्स होती है तो दोनों टाइम पर हीलिंग जब भी कोई करवाता है जैसे कि मनी फ्लो करवाना है पैसे की ब्लॉकेज तो हर मंथली आती ही आती है तो मनी फ्लो करवाना है और नेगेटिविटी रिमूव करवाना है तो नेगेटिविटी जब रिमूव करते हैं ना तब ऐसे होता है कि हमारी जब नेगेटिविटी रिमूव हो रही है ना तो हमें खुद फ्रेशनेस फील होती है जब आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी थेरेपी करवा ली काफ़ी बॉडी में पॉजिटिविटी आ जाती है आप जोश से काम करने लग जाते हो नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ गए तो आप डलनेस साइडनेस थोड़ा सा चेहरा उदास हो जाना एनर्जी में मन नहीं लगना कुछ भी काम करने में मन नहीं लगना अभी आपने बुक तो लिख ली है पर लिखने का मन नहीं करना खाना बनाने जाना पर तो अभी कैसे भी खाना बना के आ जाओ चलो काम करना था काम निपटा लिया तो ये नेगेटिविटी वाइब्स का काम होता है अगर आप जब आपकी हीलिंग्स करवा लेते हैं या फिर हफ्ते में या फिर जैसे मंथली भी करवा लेते हैं तो आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है पॉजिटिविटी आती है काफ़ी सारी क्लेंजिंग हो जाती है क्लेंजिंग करने के लिए तो आपने हीलिंग्स करवानी करवानी है ऑल राइट सो आई थिंक कि हमारे पास बहुत बहुत सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बट आज के लिए मैं आप लोगों के साथ इतना ही छोड़ना चाहती हूं क्यों क्योंकि मैं चाहती हूं आप लोग कमेंट करके बताइए मैम ने सबको इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताई है रिलेशनशिप से रिगार्डिंग तो मैं चाहती हूं कि अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग आगे मैम को किन किन टॉपिक्स पे कार्मिक कृत्य पे देखना चाहते हैं मैम ने हमारे साथ बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करी है आप हमारे एक और एपिसोड में भी देख सकते हैं एंड उसके साथ साथ तो टली आप लोग पैसों के लिए रिलेशनशिप के लिए और अगर और कुछ नहीं तो अपने लिए सिर्फ अपनी नेगेटिव एनर्जीज को कम करने के लिए भी इन चीजों को कर सकते हैं वेल थैंक यू सो मच मैम इस टॉपिक को हमारे चैनल पे लेके आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सो मच